हेडलाइन के पाव जखर बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। निगम कर्मियों के हड़ताल से राजधानी में लगा कचरे का अंबार, रालोसपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का फूका पुतला। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन, 150 बच्चों का हुआ चयन, 60 बच्चों को मौके पर ही दी गई ज्वाइनिंग लेटर। और रोहतास में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में खुली पुलिस की नींद, महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित महिला का कराया गया मेडिकल। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मसौढ़ी से करेंगे। पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन परिसर में बसे अवैध रूप से दुकानों एवं झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर रेलवे स्टेशन परिसर को रेलवे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया, जिसका नेतृत्व ADEN सुधीर कुमार ने किया। अतिक्रमण मुक्त कराने में स्थानीय पुलिस, GRP और RPF पुलिस जहानाबाद भी शामिल रहे। बेगूसराय में बिजली दुकानदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेदपुर गांव की है। बता दें कि श्याम कुमार सिंह का शव झाझा पुल के पास से पुलिस ने बरामद किया है। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गुड मॉर्निंग सर, हमको सिविल कोर्ट से गए तो पता लगा कि गुस्सा से घर से निकले हैं। उसके बाद संतोष जी को चाबी देकर कहे 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं आए तो हमको आ जाए हैं कोर्ट, तो पता लगा कि अखलास थाना पर है। थाना प्रभारी वहाँ से फ़ोन किए मुखिया जी को, मुखिया जी हमको फ़ोन किया, हम थाना पर गए, देखे मेरा ही बहनों का लाश था। बिजली मिस्त्री का काम करते थे, इलेक्ट्रिक का दुकान खोले हुए हैं हनुमान जी मंदिर मजरा चौक। इधर दो चार दिन से मतलब बोलना कुछ कहना कुछ इसी ढंग का होता था। मधुबनी के बेनीपट्टी मुख्यालय के बेहटा काली स्थान में आयोजित श्री श्री 108 श्री ग्राम दिहवार शिवशक्ति पूजा समिति द्वारा 11 दिवसीय शिव पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 1001 कुंवारी कन्या सहित सभी ग्रामवासी शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ काली स्थान परिसर से निकली, जहां पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए बाबा विश्वम्भर नाथ महादेव मंदिर परिसर पहुंची, जिसके बाद घो घो तालाब के पवित्र जल से कलश को भरा गया। वहीं शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण कर बेहटा बाजार होते हुए पुनः काली स्थान पहुंची, जहां पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश को स्थापित किया गया। श्री श्री 108 श्री ग्राम डिहवार शिव शक्ति पूजा बेहटा बेनीपट्टी काली स्थान के तत्वाधान में 11 दिवसीय श्री पार्थिव शिव महादेव पूजन का आयोजन है विश्व कल्याणार्थ। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे समस्त ग्रामवासी भाई बंधु माता बहन के द्वारा विश्व कल्याणार्थ कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मुंगेर कृषि विभाग द्वारा जिले के किसान को दुगनी लाभ देने के लिए लगातार राज्य सरकार के लिए मुहिम पर कार्यरत है। ऐसे में मुंगेर जिला अंतर्गत नवागढ़ी मैदान में जिला कृषि विभाग ने कृषि यांत्रिकरण सह उत्पादन मेले का आयोजन किया, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन वसुधा केंद्र में करवाकर राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ लेने के लिए उत्साहित किया। हमारे सामने बैठे किसान भाइयों बहनों, हमारे कृषि समन्वयक प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार अन्य कर्मीगण, विशेषकर हमारे मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा शुभ को बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से आपकी इकाइयों के माध्यम से इनका स्वागत करना चाहूँगा। बिहार असंगठित मजदूर कांग्रेस के बैनर तले जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस इंटेक के गोपाल लाल महतो ने शिरकत की। वहीं नए सदस्यों को मनोनीत भी किया गया। इसके साथ ही मजदूर हित के लिए नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
मौके पर कांग्रेस पार्टी के मगध प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू ने कहा कि देश के असंगठित मजदूरों को सालाना 39,000 रुपए मिलने चाहिए। आज गया जिला असंगठित मजदूर कांग्रेस का जिला सम्मेलन गया के ऐतिहासिक राजेंद्र आश्रम में संपन्न हो रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि असंगठित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोपाल लाल महतो जी यहां पर आए हुए हैं, जो कि असंगठित मजदूरों को आज पूरी तरह से दिशा निर्देश ये देंगे, ये लोगों को बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार जिस तरह से कोई भी निर्माण में 1% जो शेष लेती है उसका अरबों खरब रुपया केंद्र और राज्य सरकार के पत्थर का निर्माण करते हैं, ऐसे फुटपाथ दुकानदार फुटपाथ पर रहकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ऐसे असंगठित लोगों को मिलाकर असंगठित कांग्रेस बिहार राज्य असंगठित कांग्रेस का एक यूनियन है जिसके हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी हम इसका विस्तार प्रत्येक जिला में ऐसे असंगठित लोग को मिलाकर कर रहे हैं जिनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, बस स्वनियोजन स्वयं शक्ति अपने बल पर चलते हैं जबकि सबके लिए कोई न कोई खाता है। आज गया जिला में असंगठित मजदूर कांग्रेस के ओर से सम्मेलन बुलाया गया है और आज असंगठित मजदूर को सम्मेलन के माता बहनों सब आए हुए हैं। सम्मेलन आपको राजेंद्र आश्रम में किया गया है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर जिला के निवासी रोहित कुशवाहा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इसके साथ ही उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। वहीं मीनापुर विधानसभा से कैंडिडेट के रूप में भी रोहित कुशवाहा को घोषित किया गया है। देखिए, आज रोहित कुशवाहा जी हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं और इनको हम प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनको मीनापुर विधानसभा से कैंडिडेट भी घोषित कर रहे हैं और मीनापुर से जीत करके गरीब बुढ़ों के हित में काम करेंगे और मीनापुर के विकास के लिए अपने योगदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य। बख्तियारपुर विधानसभा के टीका बिघा गांव स्थित होटल आकाश के पास 8 फरवरी को CAA के समर्थन में होने वाली जन जागृति सभा की तैयारी अंतिम चरण में है। इस दौरान सभा स्थल पर कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक रणविजय सिंह उर्फ मुखिया ने कहा कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ बिहार कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार और सहकारिता मंत्री के साथ कई विधायक शामिल होंगे जो लोगों को CAA पर विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। के CAA के समर्थन में बहुत बड़ा जनसभा होने जा रहा है, उसका भी निरीक्षण करने हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम बाबू उपस्थित हैं और तमाम पदाधिकारी प्रदेश और मंडल के पदाधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं और कल जो है CAA के समर्थन में जनसभा जो होने वाला है उसमें माननीय सांसद भारत सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, प्रदेश के कप्तान डॉक्टर संजय जायसवाल जी आ रहे हैं, हम लोग के संगठन महामंत्री नागेंद्र बाबू आ रहे हैं, हम लोग के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव आ रहे हैं, कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं और सारे मंत्री और विधायक हमारे प्रदेश के धनरुआ CDPO ज्योति के नेतृत्व में धनरुआ प्रखंड के पभेड़ा पश्चिम और महम्मदपुर में गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर धनरुआ प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहित गर्भवती महिलाएं भी मौजूद रही। वहीं मौके पर CDPO ज्योति ने महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी।
रोहतास जिले के दरिहत में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप मामले में महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने देर से ही सही लेकिन संज्ञान लेते हुए मेडिकल जांच कराया है। बता दें कि निजी विद्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर गांव के ही दो युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वही लड़की ने आरोप लगाया है कि जबरन पुलिस की मिली भगत से एक आवेदन दिलवाया गया कि वह अपनी सहमति से आरोपी के साथ गई थी। वही सबसे बड़ी बात यह है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। टायर को था गाड़ी लेकर खड़ा था दोनों आकाश और बीटू और गाड़ी में बैठा कर ले गया नसीगंज। नसीगंज किसी डेरे पे बोला कि प्रिंसिपल आएंगे तो हम तुमसे बात कराएंगे। प्रिंसिपल वहीं पर नहीं थी, बोले कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल से बात करके हम बोले कि ठीक है जाओ हम बैठे हैं यहीं पर वहाँ वो हम बोल शाम हो गया ऐसे ही हम बोले कि हमें घर जाना है हम नहीं रहना है यहाँ पर। तो बोल रहा है कि नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा देर है हम बोले कि हम नहीं जा रहे हैं हम घर पर हम आए हैं किसी को बताया पहाड़ी बंद कर पूरा उतर कर रेप किया और वीडियो बनाया और धमकी दे रहा था कि अगर अपने फैमिली की आप नहीं जाएगी तो हम पूरा वीडियो वायरल कर देंगे। वर्तमान में ये अपने चाचा के घर में रहती है और जैसा कि ये बताती है कि बिट्टू कुमार नाम का लड़का से उसका प्रेम पसंद कर रहा है। ये स्वेच्छा से थाना पर आई इसका स्वेच्छा से माननीय गंडा लेकर बहन की गुप्ता के पास में 164 सी आर टी सी का बयान दिया। बयान के अंतर्गत उन्होंने बताई है कि मेरे चाचा ने बिट्टू कुमार पर झूठा मुकदमा दायर किया और बिट्टू कुमार पर लगाया गया आरोप निराधार है। बस यही है। ये किस तारीख को थाना पाई? 27। फिर मेडिकल जांच आज क्यों? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बब्बन यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। बता दें कि पटना महानगर में निगम कर्मियों के हड़ताल से पटना में गंदगी का अंबार लग गया है जिसके विरोध में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूका। आज पुतला दहन करने का मेन कारण ये रहा कि हमारा पटना महानगर पूरी तरह से स्वच्छता का बदहाली हो गई है। माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के नेताओं ने कहा था कि पटना को हम स्मार्ट बनाएंगे और पटना को बदहाल कर देने का काम इन्होंने किया लगातार। आज 5 से 6 दिन हो गई है नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल का लेकिन इन्होंने कोई ठोस पहल कदम नहीं उठाया। अब तू घुमाना अपना बैठ करके उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इनकी हड़ताल करवा दे। मुझे छिपा दिया। पटना का गंदा का अंबार लगा हुआ पटना में पूरा कचरा का अंबार जो लगा हुआ है उस अंबार को हटा सके ताकि पटना महानगर में रहने वाले सभी साथी माता बहन नागरिकगण मैंने की स्वच्छता का सुख भोग सके। शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार शरीफ के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें करीब 15 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले में करीब 300 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया जिसमें से 150 बच्चों का चयन करने के बाद 60 बच्चों को मौके पर ही ज्वाइनिंग लेटर दे दी गई। आज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में पूर्व की भांति रोजगार मेला का आयोजन किया गया है जिसमें 15 कंपनी शामिल हो रहे हैं और 350 विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें लगभग 150 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और 60 का ऑफर लेटर आज दिया गया है। क्या नाम लिखा? और यहाँ पे लगभग 8 कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।